अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दांतों के मुतालिक एक नई वीडियो के साथ मैं हूं डेंटिस्ट तहमीद। अगर आप लोग दांत लगाना चाहते हैं और आपको कंफ्यूजन है कि किस तरह दांत लगाना चाहिए कि वो ठीक हो और काम भी 100% करे, तो बिल्कुल मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह का दांत सबसे ठीक है और किस तरह का दांत नॉर्मल है और किस तरह का दांत आपकी सेहत के लिए, आपकी फैशन, आपकी खूबसूरती के लिए कौन सा दांत आपकी सेहत के लिए ठीक है। तो दोस्तों, वैसे तो दांतों के बहुत ज़्यादा अकसाम है, लेकिन इसमें जो सबसे पहले आता है वो डेंटल इम्प्लांट है। वो एक्सपेंसिव भी है बहुत ज़्यादा और उसके फ़ायदे भी बहुत है। दूसरे नंबर पर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है जरकूनिया, ठीक है। ये एक ऐसी दांत है जो कि नेचुरल दिखता है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आप लगाएंगे दांत जरकूनिया की तो वो सबसे बेस्ट है, मतलब आपकी जो सबसे पहले जो डेंटल इम्प्लांट है वो तो एक्सपेंसिव ज़्यादा है, उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा होता है। दो नंबर पे जो आता है दूसरे नंबर पर तो वो है जरकूनियम, ठीक है। जरकूनियम एक ऐसी दांत है जो कि आपकी आपकी बिल्कुल जो आपकी नेचुरल दांत है उसी तरह भी आता है। आप अगर वाइट करना चाहते हैं तो वाइट भी आता है, अगर डिम भी करना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अकसाम होते हैं और चीज़ भी बहुत ही आला है। तीसरे नंबर जो उस पर दांत आता है तो वो फिक्स है, ठीक है। फिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि वो भी काम अच्छा करता है, लेकिन तीसरी नंबर पर है, ठीक है। पाकिस्तान में तीसरी नंबर पर जो दांत है वो फिक्स दांत है। चौथे नंबर पर जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो वो है डेंटल फार्शल, ठीक है। इसमें फुल डेंचर भी आते हैं और डेंटल फार्शल दो तीन भी लग जाते हैं। वो असल में वो प्लास्टिक में बने होते हैं, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सब प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन देखने में वो बिल्कुल नेचुरली होता है। लेकिन सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि वो प्लास्टिक है, वो रिमूव कर सकते हैं आप, वो सिर्फ निकाल भी सकते हैं, वो वापस भी लगा सकते हैं। और फिक्स और जरकूनिया की जो दांत है वो बिल्कुल फिक्स लगते हैं, वो वापस नहीं निकलते। अगर डॉक्टर चाहता है उसे निकालता है तो फिर निकाल सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं निकाल सकता। तो दोस्तों, यही था डिटेल दांतों के मुतालिक कि आप कौन सा दांत इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि इसी तरह आने वाला नए वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँच जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।